जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर 1200 रुपये का जो है क्रेडिट हुआ है मेरे अकाउंट पर। तो ये जो है फर्जी लोन एप्लीकेशन से पैसा मिला है। आप लोगों को पता है कि फर्जी लोन एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं देता है। कौन सा एप्लीकेशन जो कि आप लोगों को पैसा दे सकता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीनशॉट में दिखाया कि मैंने जो है फर्जी लोन एप्लीकेशन से किस तरीके से पैसा निकाला है। आज आप लोगों को बताने वाला हूं 7 ऐसे लोन एप्लीकेशन जो कि फर्जी है और वहां से आप लोग पैसा आसानी से निकाल सकते हो। आप लोगों को पैसा वापस भी नहीं करना है। ये जो है एक बहुत बड़ा जो है यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहां पर आपको पैसा जो है वो रिपेमेंट करना नहीं है, क्योंकि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है। ये ना RBI से रजिस्टर्ड है, ना ये सिविल पर जो है रिपोर्ट करता है, तो यहां पर डरने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको हैरेसमेंट करता है। लेकिन उसके लिए भी मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा कि आपको करना क्या है। आप लोगों को 7 ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो कि फर्जी है। कुछ प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, कुछ जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, कुछ ऑनलाइन जो है वो प्रमोट कर रहा है अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को बताऊंगा कौन सा जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, कौन सा नहीं है और कब तक वो रहने वाला है। क्योंकि आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को जल्दी से जल्दी उसमें ट्राई करना पड़ेगा, नहीं तो कब ये प्ले स्टोर से गायब हो जाएगा आप लोगों को भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। ठीक है, अगर आप देखने जाओगे प्ले स्टोर पर अभी है, आप लोग सर्च करने जाओगे तो प्ले स्टोर से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को जो भी करना है वो जल्दी जल्दी करना है, तभी आप लोग जो है उससे पैसा लूट सकते हो। तो चलिए मैं अपने फोन के स्क्रीन पर चलता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं अपने फोन के स्क्रीन पर चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो लोन एप्लीकेशन 7 कौन सा है और कौन सा एप्लीकेशन से आप लोगों को पैसा मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और सबसे पहला जो लोन एप्लीकेशन का नाम आप लोगों को स्क्रीनशॉट में देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है लिब्रे लोन। ये जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है अभी के टाइम में। ठीक है, कब तक रहने वाला है ये पता नहीं है, क्योंकि फर्जी है। अगर मानो गूगल को पता चल जाता है तो ये कब जो है यहाँ से गायब हो जाएगा पता नहीं है, लेकिन इसका जो भी वेबसाइट है वो आप लोगों को जो है गूगल में सर्च करने पर मिल जाएगा। लिब्रल लोन, LIBERAL LOAN इसका नाम है। ठीक है, 4.3 का रेटिंग है, 1K का जो है रिव्यू आया है और 100K प्लस डाउनलोड्स हो चुका है ऑलरेडी। तो 10,000 तक जो है लोन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को 10,000 नहीं, यहाँ पर 1500 से 3000 के बीच में लोन मिलेगा। ठीक है, ये लोन एप्लीकेशन जो है ये फर्जी है। आप लोगों को अपना खुद का डॉक्यूमेंट डालकर नहीं लेना है, नहीं तो मुसीबत में बहुत ज़्यादा पड़ सकते हो। अगर 3000 का लोन के चक्कर में आप वहाँ पे अपना खुद का डॉक्यूमेंट डाल दिए तो आप लोगों को जो है शायद 2-3 लाख भी आपके जेब से जो है गंवाना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखिए, उसके बाद आप ये सब चीज़ों में अप्लाई करने का कोशिश करिए। ठीक है, तो दूसरा लोन एप्लीकेशन जो है ये है क्रेडिट बी। ये मतलब जो आप लोगों को NBFC का पता है उधारी मधुमक्खी, वो उधारी मधुमक्खी नहीं है। ये है CREDITBEE। ठीक है, वो जो एप्लीकेशन है उसी का है, सिर्फ K का C कर दिया है। अब यहाँ पर जो है ये इंस्टेंट लोन क्ल्यू, ये जो भी है ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है अभी के टाइम में। 10,000 डाउनलोड्स हो चुका है। ठीक है, 4.7 का रेटिंग्स है और ये भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है। मतलब फर्जी लोन एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर आ रहा है, लेकिन आने के बाद क्या हो रहा है कि वो खुद से ही जो है हट भी जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, जो तीसरा लोन एप्लीकेशन नाम है वो है क्रेडिट स्टार, लाइन ऑफ क्रेडिट। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है अभी के टाइम में। 50K प्लस डाउनलोड्स हो चुका है, 4.6 का रेटिंग्स है, 6K का रिव्यू आया है। ठीक है, तो ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है स्क्रीनशॉट में। आप लोग जाके इसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। और जो नेक्स्ट है उसका नाम है ईगल वॉलेट। ये जो है ये प्ले स्टोर पर नहीं है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, गूगल में जाके सर्च करना पड़ेगा ईगल वॉलेट, तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 30,000 का लोन, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, 30,000, 10,000, 20,000 लोन नहीं मिलेगा ये सब लोन एप्लीकेशन से, 15 से 3,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद का लोन एप्लीकेशन नाम है सिक्योर मनी। सिक्योर मनी का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, MONEYY। ठीक है, MONEYY है। ठीक है, तो ये भी जो है 30,000 का लोन दिख रहा है, लेकिन 30,000 नहीं देगा ये, 1500 से ज़्यादा देगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसके थ्रू भी ट्राई कर सकते हो। ये प्ले स्टोर पर नहीं है, ये गूगल से भी आप लोग सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है उसका नाम है कैश असिस्ट। ये जो लोन एप्लीकेशन है इसमें जो भी दिख रहा है, मतलब टोटली जो है फेक एक बनाकर रखे पोस्टर, 4.8 का रेटिंग्स, 2.83 मिलियन का जो है रिव्यूज़ है, मतलब कुछ भी लिख कर रख दिया है। ठीक है, ये अबाउट लोन बडी वगैरह बहुत सारा कुछ लिखा है इसमें, लेकिन ये जो है फर्जी लोन एप्लीकेशन है, तो इसके थ्रू भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, आप लोगों को मिलेगा। और ये जो एप्लीकेशन है ये है लास्ट का एप्लीकेशन, LG मनी ऑनलाइन क्रेडिट लोन। प्ले स्टोर पर नहीं है, लेकिन ऊपर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि गूगल प्ले का नाम है, लेकिन यहाँ पर जो भी है इंटरफेस लगा कर रखे हैं इस तरीके का तैयार करके कि लोगों को पता चले और लोग जो इसको इंस्टॉल करें। ठीक है,
इंस्टॉल करेगा तो वो फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोन प्रोवाइड करता है या फिर नहीं भी करता है, कुछ ऐसे है कि डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद लोन देता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का क्या करते हैं कि आप लोगों को बाद में हैरेसमेंट झेलना पड़ सकता है। तो अगर लोन मिले या फिर ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो आप लोगों को अपना जो है खुद का डॉक्यूमेंट देना नहीं है। पैन कार्ड आधार कार्ड जो है वो तो डालना ही पड़ेगा, वो आप दूसरे का तो डाल नहीं सकते या फिर फेक तो डाल नहीं सकते। लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ जो कॉन्टैक्ट लिस्ट, क्योंकि वही जो है मेन है, कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर है तो वो आप अपने फ़ोन का जो भी फ़ोन होगा उसको रीसेट करिए, हार्ड रीसेट करिए, ताकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन ना हो उस फ़ोन में, क्योंकि उस फ़ोन का एक्सेस जो है उनके पास चला जाएगा इंस्टेंटली, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप एक्सेप्ट कर दोगे तो वो इंस्टेंटली उनके पास चला जाता है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना पड़ेगा, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आप लोगों के पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप दिखाना चाहते हो कि हाँ देखो ये मेरा ओरिजिनल है, लेकिन उन लोगों के पास जो भी जाएगा वो फर्जी जाएगा। अब मानो आप लोग लोन का पैसा आपको मिल गया, अब आपको आप पेमेंट अगर नहीं कर रहे हो तो वो क्या कर रहे हैं, जो भी हैरेसमेंट करने के लिए आप लोगों को कॉल करेगा तो वो क्या करेगा कि आपके फर्जी नंबर पर कॉल घुमाएगा। अब वो फर्जी नंबर से कॉल जाएगा तो वो किसी और के पास भी जा सकता है या फिर नॉन रिचेबल भी आ सकता है, वो वेरीफाई थोड़ी करता है। तो यहाँ पर 20-30 जो है आप लोगों को कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना पड़ेगा, एक दो कॉन्टैक्ट लिस्ट होगा नहीं, 20-30 कॉन्टैक्ट लिस्ट करना पड़ेगा। और आपके फ़ोन पर SMS जो है कुछ रहना पड़ेगा, ठीक है, वो चाहे फेक हो या फिर ओरिजिनल हो कोई दिक्कत नहीं है, SMS का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है यहाँ पर दिक्कत आता है। और आपका गैलरी तो एक्सेस कर पाता नहीं है ये लोग कुछ भी बोल देते हैं कि आपका गैलरी वगैरह, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है। यहाँ पर जो भी स्टेप्स आप लोगों को बताए उसी स्टेप्स को फॉलो करके आप लोगों को इससे पैसा निकालना है। पैसा आप अगर वापस नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और करना भी नहीं है, क्योंकि अगर पैसा वापस करोगे तो और ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे। तो आप लोग अगर पैसा निकालना चाहते हो ये सर एप्लीकेशन से, फर्जी लोन एप्लीकेशन है, 7 दिन का चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन ये बोला जाता है, इससे आप ट्राई ज़रूर करें। आप लोगों को अगर मिलता है पैसा तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें आप लोगों को पैसा मिले या फिर ना मिले वो आप लोगों को ट्राई करने के लिए आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को शायद ये नाम मालूम नहीं है, इसलिए आप लोगों को वीडियो के थ्रू नाम बता रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो, क्योंकि फर्जी लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ऑलमोस्ट गायब हो चुका है, कुछ है आ रहा है और जा रहा है, ठीक है, अभी के टाइम में रह नहीं रहा है। तो यहाँ पर डरने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग तरीके का हर रोज़ जो है वीडियोस बनाकर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना बोले, तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।